हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। यस, इसके पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी मेजर चैप्टर्स है वो खत्म कर लिए हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये टॉपिक बचे हुए हैं। वी वे सपोज टू कम्प्लीट दिस, बट सिंस थर्मोडायनामिक्स का डिमांड इतना ज़्यादा आया लगभग एक हफ्ते में, यूट्यूब के कमेंट्स सेक्शन में या पर्सनल मैसेज, स्टूडेंट जो मेरे को पहचानते हैं या पर्सनल टच में है, लगभग 25 से 30 रिक्वेस्ट आ चुकी है लोगों से कि सर थर्मोडायनामिक्स आप करवा दो। तो ये जो चार ऑर्गेनिक के टॉपिक है जो इतने कनेक्टेड नहीं है प्रीवियस टॉपिक से, तो उनको हम लेटर ऑन कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर करते हैं। नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस इससे एवरेज पूछे गए हैं। ओके, 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आप अगर बहुत प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो कुछ कुछ एग्जाम में तो एक ही एग्जाम में 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे थर्मोडायनामिक्स के, राइट? सो मिनिमम मैं मानता हूं कि 2 क्वेश्चन तो आते ही है थर्मोडायनामिक्स का, मतलब 8 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, जेई में भी उतना इंपॉर्टेंट है। सो 8 मार्क्स, सो ये लगभग 90 मिनट्स की वीडियो बनेगी। और ये 90 मिनट्स अगर अच्छे से आपने इस वीडियो को देख लिया तो 8 मार्क आपको मिल सकते हैं, बिकॉज इतना अच्छा प्रैक्टिस इस वीडियो में हो जाएगा। तो फटाफट कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग, मैं आपको बता देता हूं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं हमने। पहला है बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जैसे ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एंड देन आ जाता है आपका स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारी चीज़ें, ऑलराइट? और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा शॉर्ट में, एंड देन उसके बाद में MCQs करेंगे, राइट? तो मैं शॉर्ट में फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट इफ़ यू वॉन्ट कि पूरा एक रिविजन हो थर्मोडायनामिक्स का, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने TUC चैनल पे इसकी एक क्विक रिविजन वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके उसको देखिएगा, ऑलराइट? खैर, यहाँ पे फॉर्मूलाज तो मैं बता ही दूंगा आपको, जिससे यू विल बी एबल टू सॉल्व दी MCQs। फिर करेंगे वर्क, फिर WMAX, दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड देयर रिलेशन। उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज एंड हेस लॉ या हेसेस लॉ के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डेल्टा एस, डेल्टा जी, इनके ऊपर थियोरी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स वाले भी आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने वन शॉट जेई नीट सीरीज के जो नोट्स है उनको निकाल लीजिए, उनमें अच्छे से ये लिखिए। दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री। आपको लिख के सारे गिवन वैल्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप किताब निकालिए और पूरा वीडियो, वन शॉट है ना, तो आप 100 शॉट्स में इस वीडियो को खत्म मत करना, वन शॉट में खत्म कर दो। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड MCQs करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले टाइप के MCQs सॉल्व करने के पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। सो थर्मोडायनामिक टर्म्स, ऑलराइट? आपने सिस्टम सुना होगा, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। और बाहर की जो भी दुनिया है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो ये सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री। अब मुझे बताइए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्स। दीज आर जनरल टर्म्स जो हमें याद रखना है, क्योंकि बार बार एक सिस्टम हम बात करेंगे, तो सिस्टम इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, राइट? या कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शंस। टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम हो सकता है, राइट? जैसे अगर बीकर ओपन है तो क्या एक्सचेंज कर सकता है? मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, एनर्जी कर सकता है। आइसोलेटेड में ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा। नाउ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिससे एक सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे, वो दो टाइप के हो सकते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बाहर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं बहुत बड़ा ग्लास लूँ, राइट, या एक उसका एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही आएगा ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार एंट्रोपी, मोलार एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑलराइट, मोलार, ओके, वन मोल के लिए, वो तो कांस्टेंट होगा ना. नाउ इसको हम बाद में देखते हैं, पहले एक्सटेंसिव देख लेते हैं. एक्सटेंसिव मतलब जो क्वांटिटी जो मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैटर डाल दो तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, राइट. आपका गिब्स फ्री एनर्जी, मोल्स हो गया, एंट्रोपी हो गया, राइट. देखो यहाँ पर एंट्रोपी और एंथैल्पी आया, ऊपर क्या था, मोलार एंट्रोपी और मोलार एंथैल्पी था, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा. हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें. अभी मोलार एंट्रोपी क्या है स्टूडेंट्स, मोलार एंट्रोपी इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव है, और मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव है. दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो एक बैकग्राउंड सिर्फ बेसिक्स याद रखना आप लोग. स्टेट फंक्शन, नाउ स्टेट फंक्शन क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. मतलब आप लेट्स से फिफ्थ फ्लोर पे हो, फिफ्थ से आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो आप सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट से जाओ, खिड़की से कूद के जाओ, बालकनी से कूद के जाओ, तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे. पाथ फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज हीट एंड वर्क, क्योंकि अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क परफॉर्म हो सकता है, राइट, इजंट इट. तो HW याद रखो, होमवर्क याद रखो, यहाँ पे होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, विच अमंग द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन, ऑलराइट. तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ है. आइसोबारिक, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, तो डी पी इज इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज जीरो. आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो डी वी इज इक्वल्स टू जीरो. एडियाबैटिक में कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हुआ है, तो क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. साइक्लिक मतलब जिस पॉइंट पे शुरू हुआ था, घूम फिर के वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा और चेंज इन एंथैल्पी विल बी जीरो. तो आप इसको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बाद में इसके रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिएगा, ऑलराइट. मोर देन 30 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, मतलब वो क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे ना. अब याद करो, पाथ फंक्शन में मैंने उधर आपको क्या याद रखने बोला, तो होमवर्क, H का मतलब क्या, हीट, और W का मतलब क्या, वर्क. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर वन की बात कर रहा है, हीट का सिंबल क्या है, Q, वर्क का सिंबल क्या है, W. तो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड जो Q दिया है दैट इज पाथ फंक्शन, और थर्ड W दिया है दैट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन. सो सेकेंड एंड थर्ड, सो ऑप्शन कौन सा है, C. सो फर्स्ट का आपका सही आंसर क्या हो गया, C. बड़ा इजी था. चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको सॉल्व करिए. आई इरेज दिस पार्ट नाउ. तो क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. तो क्या क्या कंडीशंस दिए हैं, एक तो है भैया फ्री एक्सपांशन हो रहा है. फ्री एक्सपांशन मतलब क्या, एक्सटर्नल जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल दैट इज जीरो, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, वो आराम से अपने से ही वो एक्सपांड होते जा रहा है, फ्री एक्सपांशन. और दिया है एडियाबैटिक कंडीशंस. एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ना हीट एब्जॉर्ब हुआ ना रिलीज हुआ. नाउ यहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए स्टूडेंट, चलो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं. क्यू इज इक्वल्स टू जीरो ए ऑप्शन में सही दिया है, बी में भी सही दिया है, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू जीरो है ही है. अभी आपको यहां पर एक चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन, दैट इज डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. नाउ डब्ल्यू क्या है, पी डेल्टा वी है ना, पी डेल्टा वी, बट पी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, देखो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, बट यहाँ पे प्रेशर ही जीरो हो गया, तो मतलब वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्यू. डेल्टा यू हो गया क्यू, और वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया. ऑलराइट, अच्छा इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी वैसे हमें. तो
आंसर क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू जीरो है एंड क्या बोला है W इज इक्वल्स टू जीरो, ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो A नहीं होगा, तो A आंसर नहीं हो सकता है, C नहीं हो सकता है, B या D में से अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सोचिए क्या है। नाउ इन्होंने क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तो यहां पर क्यू भी क्या है, क्यू भी तो जीरो है ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया ना यहां पर, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू अगर जीरो है तो डेल्टा टी भी क्या होगा, अरे जीरो होगा ना, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही हो गया ना। सो इस तरीके से कैसे हर एक चीज को कनेक्ट करके हमने आंसर निकाला। डन, तो आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं, कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सॉल्व करिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया डेल्टा यू, देखो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, इजंट इट, क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ अगर एडियाबैटिक प्रोसेस ले, एडियाबैटिक प्रोसेस, नाउ सब जगह ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया, वर्क 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 वर्क, तो हमें क्या करना है, डेल्टा यू को वर्क के साथ रिलेट करना है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, देयरफॉर डेल्टा यू विल बी इक्वल टू सम वर्क एंड दिस वर्क विल बी कॉल्ड एज एडियाबैटिक वर्क। क्यू एडियाबैटिक वर्क, बिकॉज ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू इज इक्वल्स टू जीरो होता है। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी, क्लियर। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो एक दो फॉर्मूला को घुमा फिरा के अपने को आंसर करना है। सो ये था फर्स्ट टाइप के एमसीक्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप जो था दैट इज वर्क, डब्ल्यू मैक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। ऑलराइट, तो इसको नोट डाउन करें फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं एंड देन एमसीक्यूज करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसका थियरी देखते हैं अभी। स्टूडेंट्स, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V। पूरा डिराइव वगैरह नहीं कर रहे हैं, इफ यू वांट द डेरिवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, आप क्विक रिवीजन वीडियो बाय TUC थर्मोडायनामिक्स के आप देखिएगा, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आप MCQs में अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, राइट, तो इसी में तो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म होगा ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आया तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1। अगर वॉल्यूम चेंज दिया है तो V2 upon V1, अगर प्रेशर चेंज दिया है तो P1 upon P2 हो जाएगा, राइट, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट यहां पे आप करो, अगर वैक्यूम में वर्क परफॉर्म हो रहा है ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो ना, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो एक्सपांड करे या कुछ भी करे उसमें तो वर्क परफॉर्म विल बी व्हाट, जीरो। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दिया है मतलब डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, तो डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो वर्क डन विल बी जीरो। नाउ यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें याद रखना है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में आपने प्रेशर को ATM में लिया है, वॉल्यूम को लीटर में लिया है, तो जो वर्क आएगा आपको जूल्स में नहीं आएगा, आपको लीटर ATM में आएगा। अगर आपने SI यूनिट्स लिया है मीटर क्यूब, प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो जूल्स में आएगा। यहाँ पे पास्कल भी लिया तो जूल्स में आएगा। सो व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला, और अगर आपको R लेना है, R यूज करना है, तो यूज 0.0821। ओके, और यहां पे इस ये जो SI यूनिट्स अगर लिया है तो इसमें R का वैल्यू आएगा 8.314। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऑलराइट, नाउ एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं लीटर और ATM तो ले लेते हैं और फाइनल आंसर उनको लीटर ATM में आता है, बट ऑप्शन में जूल्स में दिया रहता है, तो फाइनली कैसे कन्वर्ट करो, 1 लीटर ATM इज इक्वल्स टू 101.32, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100, तो ये इंटू करना मत भूलना आप लोग, क्लियर। चलो बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इट इज ए स्टेट फंक्शन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस W, इसको तो खैर हमने यूज भी किया है प्रीवियस MCQs में। एंथैल्पी डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ओके, इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। ऑलराइट, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, राइट।
Now, what is this NGRT, delta NG? Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant, okay? Sirf moles of gas lena, liquid ya solid ka moles mat consider karna. This is only for gases. और लास्ट में याद रखो, इसको तो वैसे डिराइव करते हैं, बट हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं. हमेशा याद रखो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. देखो, ये बच्चा एक बार तो पढ़ लेता है बट बाद में भूल जाता है. तो कैसे मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP, राइट? और इसको कैसे याद रखता हूँ? UV लाइट, इस तरीके से. तो जिंदगी आसान हो जाती है इससे. तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू QP, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू QV, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, UV अल्ट्रावायलेट रेज. क्लियर? सो ये था थियरी, इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम MCQs करते हैं. तो 3 MCQs ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट टाइप जो हमने किया था थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एंड टर्म्स में, अभी फोर्थ MCQs हम करते हैं. फोर्थ MCQ तो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए इसे. चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 3 ATM. तो वर्क डन पूछा ना, तो सिंपल सा है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस पी डेल्टा वी. तो माइनस पी कितना है? 3. डेल्टा वी बोले तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 6 ना. माइनस 6 आंसर है क्या? गलती मत कर देना. ये जो है प्रेशर किस में है? ATM में है, और ये लीटर में है. तो आपको लीटर ATM में आंसर है, ऐसा ऑप्शन है क्या? उन्होंने जूल्स में दिया है, इसलिए तो ब्रैकेट में उन्होंने क्या दिया है? 1 ATM लीटर इज इक्वल्स टू 101.32 लीटर्स. तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस 6 इंटू 101.32, तो अप्रॉक्सीमेटली 607 माइनस 607 के अराउंड आंसर आएगा. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी. क्लियर? तो क्वेश्चन भले ही सिंपल था बट यहां पे जो है सिली मिस्टेक होने के चांसेस थे, और ऑप्शन भी देखो वैसे ही दिया था उन्होंने. चलिए इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4th, इरेज कर दूं. अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5. चलिए, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए इसको एंड सॉल्व करिए. क्या बोल रहा है? 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम. द वर्क डन विल बी, कैलकुलेट करते मत बैठ जाना, वर्क डन विल बी व्हाट? 0, क्योंकि वैक्यूम है ना, क्योंकि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 0 होता है. सिंपल, इसे नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उससे सॉल्व करिए. वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 10^-3 मीटर क्यूब. ओके, तो चलो लिख लेता हूं मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6. वॉल्यूम 1 कितना दिया है? 10^-3 मीटर क्यूब. V2 दिया है 10^-2 मीटर क्यूब. तापमान कितना दिया है? 300 केल्विन. और प्रेशर भी दिया है 1 × 10^5 पास्कल्स, लिख लेता हूं मैं. द वर्क डन वुड बी, चलो हर एक चीज स्टैंडर्ड यूनिट में है तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डेल्टा वी. माइनस पी क्या है? 10^5. ओके, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 10^-2 माइनस 10^-3. अब कैसे सॉल्व करें इसे? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 10^5. अभी इसमें कॉमन क्या ले लो? 10^-3 कॉमन ले लो. तो 10^-3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे कितना बचेगा? 10, और यहां पे 1 बचेगा. तो आंसर क्या है? -9 × 10^2 दैट इज -900. कितना आएगा? जूल्स आएगा आपको आंसर. सो ऐसा कोई ऑप्शन है? -900 जूल्स, ऑप्शन डी. तो 6 का हो गया राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी. क्लियर है? बड़ा इजी क्वेश्चन था. सिर्फ यहाँ पे बच्चा कैलकुलेशन में फंस ना जाए, देखो मैंने कैसे कॉमन चीजें ली है और इसको सॉल्व किया है. डन, इसको नोट डाउन करें. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन क्या है, इस चीज को पढ़िए आप लोग. डन, ऑलराइट. A piston filled with 0.04 moles of ideal gas expands reversibly, okay? मतलब maximum work perform हो सकता है यहाँ पे. From 50 ml to 375 ml at a constant temperature. मतलब यहाँ पर delta T कितना दिया है?
जीरो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, सेवेंथ है ना। एज इट डज सो इट एब्सॉर्ब्स, इट एब्सॉर्ब्स क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 208 जूल्स। द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस विल बी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व ना। एक तरीका है आप क्या करो, डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगाओ और हर एक वैल्यू डालते बैठो, नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ना। अगर डेल्टा टी इज जीरो तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो ना, तो जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस डब्ल्यू ना। इसका मतलब क्यू कितना है, क्यू है 208, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 208 जूल्स। सो आपका आंसर क्या है, क्यू इज 208, डब्ल्यू इज माइनस 208, ऑप्शन ए। तो सेवेंथ का आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। राइट, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। इरेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर एट इज ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एट, इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इंसुलेटेड है ना, तो मुझे बताइए हीट एक्सचेंज कर पाएगा क्या, नहीं एक्सचेंज कर पाएगा, तो डेल्टा क्यू या क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें क्यू इज इक्वल्स टू जीरो है, देखो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। एंड उसके पहले क्या दिया है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर ना कुछ तो वर्क परफॉर्म होगा ना, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे। तो एट का अपना आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए, बड़ा ही सिंपल था, राइट, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्या बोल रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन, When one mole of a gas is heated at constant volume, question number कौन सा है, ninth, n is equals to one, constant volume मतलब delta V is equals to zero, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin, heat supplied to the gas 500 joules, then which statement is correct? Okay. देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो है तो वर्क परफॉर्म विल बी व्हाट, जीरो, इजंट इट। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, और क्यू कितना है 500 जूल्स है, तो ये तो सेम हो गया ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल्स टू 500 ऑप्शन बी में है ना, तो नाइन्थ का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना, ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा मेरी ये नोट डाउन करें, ये था क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। चलो अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, और कौन से केस में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ऐसा कोई फॉर्मूला पता है इन दोनों का रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इजंट इट। अगर ये डेल्टा एन जी जीरो हो जाता है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए ए में क्या है, राइट हैंड साइड में टोटल कितने मोल्स है, 1 + 1, 2 - 1, ये तो जीरो नहीं आ रहा है। बी में देखिए गैस है राइट में 2 और लेफ्ट में 3, ये भी जीरो नहीं आ रहा है। सी में देखिए राइट में 2 है और लेफ्ट में 1 + 1, 2, 0, तो सी इज अवर आंसर नो। हाँ समझ में आ गई, इतने इजी क्वेश्चंस है। ऑलराइट, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी, स्टार्टिंग में थोड़े इजी डाले, आगे देखना क्वेश्चंस। चलो इसको नोट डाउन करें, टेंथ का आपका आंसर हो गया सी। इलेवेंथ की तरफ बढ़ता है, तो इलेवेंथ क्या बोल रहा है, C3H8 which is gas plus 5O2 and oxygen is definitely in gas, तो क्या देगा 3CO2 gas plus 4H2O liquid। इसमें डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा NgRT ना, बताइए राइट साइड में कितने मोल्स है, 3 माइनस, और यहां पे कितना है, 5 और 1 6,
तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री आर टी इज अवर आंसर. माइनस थ्री आर टी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी. तो 11th का अपना आंसर हो गया बी. राइट, तो ये इसको नोट करें, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कर लिया सॉल्व. अच्छा क्वेश्चन है, वैसे डिसेंट क्वेश्चन है. चलो क्या दिया है, सी प्लस ओ टू गिव्स यू सी ओ टू, डेल्टा एच दिया है भैया माइनस 393 जूल्स. 2Zn plus O2 gives you 2ZnO और डेल्टा H कितना दिया है, माइनस 412 जूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है. तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कार्बन कैन रेड्यूस ZnO टू Zn. इसका मतलब कार्बन जो है ZnO को किसमें रेड्यूस कर सकता है, किसमें रेड्यूस कर सकता है, 2Zn प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, CO2. इज इट रियली पॉसिबल. तो हमने क्या किया है, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन को ये इस और दूसरे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है. मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने एज इट इज लिया है, तो डेल्टा एच क्या हो गया, माइनस 393. और सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर आपने अब ध्यान से देखो तो मैंने उल्टा किया है, जेड एन ओ को लेफ्ट साइड में लिया, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको आंसर प्लस में आएगा ना, डेल्टा एच प्लस में है. अगर रिएक्शन को स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एच शुड बी व्हाट, इन नेगेटिव ना, तो ये अपना आंसर नहीं होगा. तो ये नहीं, इट कैन नॉट रिड्यूस. तो बी देख लेते हैं आगे. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज नॉट फिजिबल. कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और डेल्टा एच नेगेटिव है. नो, इट इज फिजिबल, क्योंकि डेल्टा एच तो नेगेटिव हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये तो नहीं है ऑप्शन, सी देखते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज नॉट फिजिबल. ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज नॉट फिजिबल. जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट इज फिजिबल. ये भी गलत दिया है, डी सही होगा. फिर तो देख लेते हैं. जिंक लिबरेट्स मोर हीट देन कार्बन. यस, जिंक इज लिबरेटिंग मोर हीट एज कंपेयर टू कार्बन. तो यही तो अपना सही ऑप्शन है, क्लियर है. चलिए इसे नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. कंसिडर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3. कौन सा हेबर्स प्रोसेस है ये, कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी देन. देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन है ना, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अभी डेल्टा एन जी क्या है, 2 माइनस, ये सब गैसेस में ही है, 2 माइनस 4 कितना होगा, -2. तो डेल्टा यू -2 RT. तो बताइए डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर है कि डेल्टा यू का वैल्यू ग्रेटर है. डेल्टा यू का ग्रेटर होगा ना, बिकॉज डेल्टा यू में से कुछ क्वांटिटी माइनस करोगे तब जाके डेल्टा एच आएगा. तो डेल्टा यू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. तो ऐसा कोई ऑप्शन है, डेल्टा यू इज ग्रेटर, ऑप्शन सी ना. तो 13th का अपना आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी. नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डन. चलो 14th के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट. चलो 14 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वापस है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का कोई रिलेशन होगा. कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 14. डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी होता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड. ये 1 मोल ही रखना, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1 मोल, तो इसको हाफ ले लेता है. ये किसमें होगा, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है बताइए, ग्रेफाइट, सॉलिड फॉर्म है. ओके, यहाँ पे मैं ग्रेफाइट लिख देता हूँ, इट इज सॉलिड. ये गैस और ये गैस, तो बताओ इसमें डेल्टा एन जी कितना होगा, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 1, और यहाँ पे कितना है, हाफ. तो आंसर क्या आएगा, 1 - 1/2, दैट इज हाफ. क्लियर. सो अपने को ये वैल्यू ढूंढना है, तो बताइए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ आर का वैल्यू क्या होगा, 8.314, और तापमान कितना दिया है इन्होंने, 298.
बराबर। और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा ये, 4.152 समथिंग, और ये 298। इसको मैं फिर इसको थोड़ा मैं बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, 300 ले लेता हूँ, और इसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो तकरीबन कुछ 1200 के अराउंड आएगा ना आंसर। और पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि डेल्टा एनजी अपने को क्या आया, हाफ आया है, तो पॉजिटिव में 1200 जूल्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो 14 का अपना आंसर क्या हो गया? सी। आई होप आपको भी आया होगा, कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का फाइनल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15। अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस, ऑल राइट, द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये पूछा है अपने को, ओके, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज वन ऑफ इज वेपराइज्ड एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar, टेम्परेचर दिया है 100 degrees Celsius, मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब डेल्टा एच, मोलार एंथैल्पी ना, 41 kilojoules, याद रखना किलो जूल्स है कि जूल्स है, इसमें भी मिस्टेक हो सकता है। और टेम्परेचर कितना दिया है? 3, वो सेम दिया है, और आर का वैल्यू भी है, ओके। अपने को क्या पूछा है स्टूडेंट्स? डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा यू पूछा है, तो क्या रिलेशन है बताओ? डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, देयरफॉर डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, इजंट इट? नाउ सर, यहाँ पर डेल्टा एन जी कैसे निकाले? कोई इक्वेशन तो दिया नहीं है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर है ना, मतलब H2O लिक्विड जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O गैस ना, तो राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स इज 1 और लेफ्ट साइड में कोई भी गैस नहीं, तो 1 - 0 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, कितना वैल्यू दिया है? 41 kilojoules दिया है ना, तो 4130 ऐड कर देता हूँ, ये 1 हो गया। आर का वैल्यू है 8.3, तापमान कितना है? तापमान कितना है 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो 373 केल्विन, क्लियर? तो एक काम करिए ना, आप इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आया है। डन, कमेंट करोगे? आई होप आप सॉल्व भी करोगे, कमेंट भी करोगे, दोनों चीज करना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके भरोसे छोड़ता हो। नेक्स्ट टाइप के जो MCQs है, जो मैंने लिस्ट लिखाया था वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज एंड हेस लॉ के ऊपर, तो इसको नोट डाउन करें, सॉल्व करें, एंड उसके बाद हम लोग हेस लॉ को डिस्कस करें और उसके MCQs करेंगे, लिखिए इसको। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये एंथैल्पी और डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, ये तो इन डिटेल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो मेन क्रक्स है जिससे हम MCQ सॉल्व कर पाएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन या इनर रिएक्शन डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, या तो टू बी मोर स्पेसिफिक, सबमिशन ऑफ x मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ y मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, चलो एक एग्जांपल लिया है, CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus 2H2O। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O तो लिखना है, बट कितने मोल्स है? 2 मोल्स है, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे, माइनस इन दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज CH4 एंड O2, यहां पे 2 मोल्स है इसलिए 2, तो ये बेसिकली स्टोइशोमेट्री है x एंड y। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, ये तो क्या हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑलराइट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये रिएक्शन के लिए, ये फॉर्मेशन, चलो देखते हैं क्या है। एंथैल्पी चेंज अकंपनिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ कंपाउंड, क्या लिखा है यहां पे, 1 mole ऑफ कंपाउंड From its constituent elements when they are in their most stable state, या तो फिर reference state। तो क्या चीजें ध्यान रखनी है, कंपाउंड कितना बनना चाहिए, 1 mole बनना चाहिए, तो ही हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होना चाहिए, वो भी उनके रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए। अब सर ये रेफरेंस स्टेट क्या है, देखो जैसे O2, ऑक्सीजन नॉर्मली सबसे ज़्यादा कौन से फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड के गैस, गैस में, तो उसका रेफरेंस स्टेट क्या है, गैस। ब्रोमीन का रेफरेंस स्टेट है लिक्विड। सल्फर बहुत सारे एलोट्रोप्स है, उसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कौन सा है, रोम्बिक सल्फर, तो उसका रेफरेंस स्टेट हो गया रोम्बिक सल्फर दैट इज सॉलिड।
कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कौन सा है? ग्रेफाइट. क्लियर? तो कार्बन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ग्रेफाइट लिखूंगा ना, दैट इज सॉलिड. H2 इज गैस एंड CH4 इज गैस. सो ये इनके रेफरेंस स्टेट. नोट, हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स रेफरेंस स्टेट इज इक्वल्स टू जीरो. जैसे कि अगर H2 है, ये तो अपने एलिमेंटल स्टेट में ना किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, तो इसका हम लोग जीरो लेंगे, इसका भी हम लोग जीरो लेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन. नाउ दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और ये क्या है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो पहला जो मैंने इक्वेशन लिखा है, बताइए, वैसे तो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, बट मुझे बताइए डेल्टा एच नॉट जो है यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि रिएक्शन है? दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 moles बन रहा है. डेफिनेशन के हिसाब से कितना बनना चाहिए? 1 mole. तो 2 mole है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है. हाँ, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ सब जगह या 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा? 1 HBr. तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -36.4. सो अब ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? 1 mole है तो क्या बोल सकते हैं इसको? हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. अब मुझे बताइए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट 1 mole बन रहा है, तो क्या ये डेल्टा एच नॉट इज रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मेशन? सर 1 mole बन रहा है तो फॉर्मेशन होना चाहिए. गलत. अभी आप क्या मिस कर गए? रेफरेंस स्टेट. CaCO3 इंडिविजुअल कैल्शियम, इंडिविजुअल कार्बन और इंडिविजुअल ऑक्सीजन, उनके एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए था. ये तो कंपाउंड फॉर्म हमने ले लिया ना, तो दिस इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस वुड बी कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन. तो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? डन. सो इसको आप नोट डाउन करें, इसके बाद में हम लोग इसके रिलेटेड MCQs करते हैं. एक चीज जो यहाँ पे मिस हो गई थी स्टूडेंट्स, दैट इज हेस लॉ या हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समिशन. बड़ा सिंपल है, इसको कवर करते फिर MCQs करता है. देखो, सपोज सिस्टम ए से बी में गया तो जो एनर्जी का चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, वो हुआ डेल्टा एच. बट अगर डायरेक्टली 1 step में ना जाते हुए ए से हम सी पे गए, सी से डी में, डी से बी में, ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3. तो अब 1 step से जाओ या मल्टीपल स्टेप या इंटरमीडिएट से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 step में जितना हीट कंज्यूम होगा उतना ही मल्टीपल स्टेप्स में ऐड करके होगा. सो जो इंटरमीडिएट रास्ते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट हैस लॉ. देन इतना ही है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है. मैं इसको इरेज कर दूं मैं. चलो, सो ये हो गया इरेज. अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? कहाँ पे रुके थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15 पे. अब करना है क्वेश्चन नंबर 16, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया सॉल्व. तो क्या बोल रहा है? द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन. ऑप्शन ए क्या दिया है? नेचर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट. जस्ट अभी क्या पढ़ा है इस लॉ में कि इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और अपने को भी वही पूछा है ना, डज नॉट डिपेंड. तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या हो गया? ए. बी ऑप्शन अगर देखो तो डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, उसके ऊपर डेल्टा टी के ऊपर तो डिपेंड करता है डेल्टा एच. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स फॉर सेम रिएक्शन, रिएक्टेंट चेंज करोगे तो एनर्जी भी तो चेंज होगा ना, तो बी सी डी के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? ए के ऊपर. तो आपका 16th का आंसर हो गया ए. इरेज कर देता हूँ मैं इसको. 17th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए उसे, करें डिस्कस. ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. देखो कार्बन है और उसको जलाना है तो मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसका डेल्टा एच कितना दिया है? -393.5 kJ/mol. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो इसको क्या लिख लेना है? हाफ लिख लेना है. तो डेल्टा एच कितना दिया है? -283.5 kJ/mol. द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल. तो अपने को बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कैसे बनेगा स्टूडेंट? लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, एंड व्हाट डू वी वांट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखो कैसे बनाना है. यू वांट कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 mole ही रखो इसको. इसके ये एलिमेंटल स्टेट्स में लाओ कार्बन सी. सी बोले तो क्या? ग्रेफाइट.
प्लस ओ टू, वैसे इसका कुछ खास मतलब नहीं है फिलहाल इस केस में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सी प्लस ओ टू, ओ टू कितना लेंगे हाफ, तो इसका डेल्टा एच कितना है ये हमें पता नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है हमें ऊपर के दो इक्वेशन से बनाना है। कैसे बनाएंगे, सी कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट right? कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन। सीओ कौन से इक्वेशन में है, सेकेंड इक्वेशन में, बट वो लेफ्ट में, हमें राइट में चाहिए, तो माइनस इक्वेशन टू कर देंगे। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन यही आने वाला है। तो मतलब क्या है, ये एज इट इज लिया माइनस 393.5, और इसको इस इक्वेशन को उल्टा किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 283.5। तो हो गया 0 0, ये 1 1, और बड़े का साइन क्या है, माइनस। तो आंसर आएगा माइनस 110 किलो जूल्स। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, राइट। 110.5 दिया है, बट दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर। तो अपना 17th का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए। डन, तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कर दो। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो आप फंडा समझ जाओ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके, एट 298 केल्विन फॉर मीथेन CH4 गैस इज, ओके, फॉर्मेशन, तो सी ग्रेफाइट है स्टूडेंट, ग्रेफाइट बोले तो सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2 गैस में होगा, बट कितना मोल्स, 2 मोल्स, तो क्या देगा, CH4 देगा, गैस बैलेंस्ड हो गया ना इक्वेशन। इसका डेल्टा एच कितना दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन -74.8 किलो जूल्स पर मोल। द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी, CH बॉन्ड फॉर्मेशन, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बॉन्ड एनर्जी में आना चाहिए था, बट यहां पर खैर आ गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन में, तो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, वैसे ही डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ऑफ या एनर्जी ऑफ, या ऐसे लिखता हूं मैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्यों आया सर, डेल्टा एच पहले आपने जो बोला था उसमें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, बॉन्ड एंथैल्पी है ना, तो ऐसे याद रखो, रिएक्टेंट के बॉन्ड पहले टूटेंगे फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे ना, इसलिए बॉन्ड एनर्जी जब भी आया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बॉन्ड एनर्जी जब भी आया। सो देखो स्टूडेंट्स, ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और राइट साइड में जो प्रोडक्ट है गैस में है, तो कार्बन को सॉलिड से गैस में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कार्बन सॉलिड इनटू कार्बन गैस, दैट इज सब्लिमेशन बोल सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, इजंट इट। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड, इसमें तो कोई बॉन्ड नहीं है कार्बन में, इसमें बॉन्ड है ना, राइट, कितने बॉन्ड है, एच एच सिंगल बॉन्ड होता है, बट वो टू टाइम्स है, टू टाइम्स एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड, माइनस यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, 4 ना, CHHHH, क्लियर। तो अपने को क्या इंफॉर्मेशन पूछा है, द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन ए दिया है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्या ये इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, यस, दोनों इंफॉर्मेशन होगा तो बेस्ट है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH, ओके, तो CH बॉन्ड ढूंढना है ना, डेल्टा H तो ऑलरेडी दिया है, तो अगर ये दोनों के वैल्यूज अपने को मिल गए तो CH बॉन्ड का एनर्जी मिल जाएगा अपने को, तो अपना ऑप्शन क्या हो सा, कौन सा हो गया 18th का, बी। देखो समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, सॉलिड है ये गैशियस प्रोडक्ट है, तो सॉलिड को आपको गैस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको चाहिए, ओके, और ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, और हमें क्या ढूंढना था, ये वाला वैल्यू, तो ये दोनों पता होना चाहिए। तो 18th का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, बी इज अवर आंसर, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या बोल रहा है,
For which of the following equation is delta H naught of reaction is equals to delta H naught of formation? देखो, delta H naught of formation का definition याद रखो, सब अपने elemental state में होने चाहिए और product one mole बनना चाहिए. तो option A में देखिए, ये कौन सा question कर रहे हैं हम लोग, question number 19 कर रहे हैं ना. Option A में देखिए, N2 plus O3 दिया है. O2 लेते तो सही होता ना, ओजोन क्यों लिया, ऑक्सीजन ले लेते ना, ऑक्सीजन इज द एलिमेंटल स्टेट, तो ये नहीं आएगा. बी, CH4 गैस प्लस 2Cl2 गैस गिव्स यू CH2Cl2 लिक्विड. ओके, दो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट की तलाश है. तो सी ऑप्शन, ये तो नहीं, हटा देते हैं, सी देखते हैं. XE गैस प्लस 2F2 गैस गिव्स यू XeF4 गैस. ये बहुत सही लग रहा है ना, प्रोडक्ट भी वन मोल है और फ्लोरीन और ज़ेनॉन ये तो नोबल गैसेस है ना, अपने एलिमेंटल स्टेट में है और प्रोडक्ट वन मोल बन रहा है, तो सी ऑप्शन सही है ना. डी ऑप्शन गलत है. डी ऑप्शन गलत क्यों है, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि कितना मोल्स दिया है, 2 मोल्स दिया है, अपने को प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए. तो 19th का आंसर क्या हो गया, सी. क्या देखो, हमने जो डेफिनेशन किया कैसे अप्लाई हुआ यहाँ पे, राइट. 19th के बाद है क्वेश्चन नंबर 20. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस इज गिविंग अस 2N2O5 गैस. इसका डेल्टा एच अपने को दिया है, कितना है डेल्टा एच, मैं ऊपर लिख लेता हूं, -111 किलो जूल्स पर मोल. किलो जूल्स पर मोल तो नहीं है, किलो जूल्स है क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं ना. If N2O5 solid is formed instead of N2O5 gas in the above reaction, तो delta H का value क्या होगा? अच्छा, delta H of sublimation for N2O5 दिया है. कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों react करने के बाद अगर N2O5 solid दिया तो delta H कितना होगा, और bracket में नीचे क्या दिया है, solid से gas बोले तो sublimation ना, heat of sublimation कितना दिया है, 54 किलो जूल्स पर मोल. 54 किलो जूल्स पर मोल. देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अभी देखो, एक स्टेप में जाओ या दो स्टेप में जाओ, बात वही है ना, हेसेस लॉ का प्योर एप्लीकेशन है, हेस लॉ का. तो डेल्टा एच दैट इज कितना, -111, डायरेक्टली वही लिख लेते हो, -111 किलो जूल्स विल बी इक्वल टू दिस डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. तो आप इसको अप्लाई करिए और राइट आंसर बताइएगा. ओके, चाहिए एक काम करते हैं, मैं आपको चाहिए तो इसका आंसर बता देता हूँ. इसका सही आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए. तो कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें ए आया है. सो दिस इज लाइक प्योर एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. ओके, जैसे हेस लॉ का डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर देना, उसी तरीके से आ गया है. क्लियर? सो नाइस. सो ये था क्वेश्चन नंबर 20, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इसे. ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है बताइए, सॉल्व करें. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 21, isn't it? सो द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2 एंड H2O. चलो लिख लेते हैं, बेंजीन क्या है, C6H6 लिक्विड, इसका कंबशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, CO2 गैस मिल रहा है एंड H2O लिक्विड मिल रहा है. लेट्स बैलेंस द रिएक्शन. ये 6 कार्बन है तो इसको मैं 6 ले लेता हूँ, ये 1 मोल ही रखो, इसको डिस्टर्ब मत करना. हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ. क्लियर? ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15. तो इसको 15 कैसे बनाओगे, 15/2 लिखो, 2 गया, 15 ऑक्सीजन एटम्स. क्लियर? सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन. Given that the heat of combustion of benzene at constant volume, okay, heat of combustion of benzene at constant volume कितना दिया है, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो -3263.9 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अब देखो, मुझे बताइए ये जो वैल्यू दिया है, ये डेल्टा एच दिया है कि डेल्टा U दिया है, सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है. ओके, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है, हीट ऑफ कंबशन ही दिया है, बट ये क्या दिया है, हीट ऑफ कंबशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. याद है आपको, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV,
कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू पी एच पी. सो ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो दिस इज बेसिकली डेल्टा यू. और हमें पूछा क्या है, हीट ऑफ कंबशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोले तो डेल्टा एच पूछा है. तो बताइए डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो डेल्टा यू कितना दिया है, दिस मच, दैट इज माइनस 3263 किलो है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से 900 प्लस डेल्टा एन जी. ये कितना, ये लिक्विड है कंसिडर करेंगे, नहीं ये गैस है ना, तो 6 डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 6, और ये वाला गैस है ना माइनस 15/2 तो कितना हो जाएगा 12, माइनस 3/2 हो जाएगा ना. सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, माइनस 3/2. आर का वैल्यू क्या है 8.314 और टेम्परेचर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कितना दिया है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन. तो आप इसको सॉल्व करो, आपको आंसर जूल्स में आएगा, उसको आप किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देना. क्लियर, एंड देन यू विल गेट द आंसर. सो 21 का आंसर आपको आना चाहिए ऑप्शन सी. तो देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कवर मैक्सिमम एमसीक्यूज. कैलकुलेशन में टाइम डालूंगा तो अननेसेसरी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी. ऑलराइट, सो अब इसको सॉल्व करिए, ऑप्शन सी आना चाहिए. कमेंट्स में मुझे बता देना 21 का सी आया है सर, आई विल गिव विद द हार्ट. ऑलराइट, डोंट वरी सर, इसको लिख लीजिए फिर हटा देता हूँ मैं इसे. चलो सो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है, सो सॉल्व करिए. चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, क्या बोल रहा है, रिएक्शन 2H2O2 लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस. इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड एंड H2O लिक्विड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली. ओके, अपने को चेंज इन एंथैल्पी ढूंढना है. तो देखो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H2O है, बट ये कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 1 मोल है. माइनस क्या करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 2 मोल्स है, और कुछ है क्या लेफ्ट साइड में, नहीं है. तो H2O का कितना दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन इन्होंने, माइनस 286, और ऑक्सीजन का कितना होगा, जीरो होता है ना, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में मैंने आपको लिखा है था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल कंपाउंड विल बी जीरो, एलिमेंटल स्टेट विल बी जीरो. माइनस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 188, माइनस 188, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 16 17 और 5 माइनस, और ये माइनस करेंगे तो 16 17 3. तो इसको ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा. तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 572 माइनस 376 कितना आ जाता है, ये तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और बड़े का साइन माइनस, माइनस 196 आ रहा है अपने को, माइनस 196. तो कौन सा ऑप्शन है, 22 का ऑप्शन हो गया ए. क्लियर है कि नहीं, बड़ा ईजी है क्वेश्चन, 22 का ए आया. So, इसको नोट डाउन करें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. इरेज कर दो, चलो 23 आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, 23 सॉल्व करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, H2 का कंबशन करना है तो ऑक्सीजन डालेंगे तो H2O मिलेगा, तो ये हाफ कितना दिया है डेल्टा H, माइनस 241 किलो जूल्स पर मोल. साइक्लोहेक्सीन, व्हाट इज साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इसका कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, इसका डेल्टा H कितना दिया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स, माइनस 3800. फिर उसके बाद में वो साइक्लोहेक्सीन नहीं है, वो इट विल बी साइक्लोहेक्सेन C6H12, तो साइक्लोहेक्सीन का कंबशन, राइट, इसको बैलेंस किया नहीं है सेकेंड वाले को, करेंगे हम लोग CO2 प्लस H2O. तो डेल्टा एच कितना दिया है यहाँ पे, माइनस 3920. अब क्या पूछा है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन,
बोले तो साइक्लोहेक्सीन है अपने पास, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन डाल के क्या देना है, क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा ना, तो इसका डेल्टा एच कितना होगा ये पूछा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो अब देखिए, पहला वाला इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, फर्स्ट वाला, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है ना, ठीक है, ये कितना कार्बन है, 6, तो इस यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, अभी ऑक्सीजन हो गया कितना है, नहीं पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, 2, 2, 2, 8, 9, 10 है, तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 5। अब ऑक्सीजन कितने होंगे, 12 और 5, 17 होते हैं ना, तो ये कितना होगा, 17/2। बात समझ में आ रही है, बैलेंस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखूँ मैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 ना, तो यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, तो 6, 12 और 18 ना, तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, ये इक्वेशन हमें बनाना है, बनाना है। कैसे होगा, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। सो साइक्लोहेक्सीन लेफ्ट साइड में चाहिए, कौन से इक्वेशन में है, इक्वेशन 2 में है ना। साइक्लोहेक्सीन अपने को राइट में चाहिए, तो साइक्लोहेक्सीन राइट में चाहिए, मतलब माइनस इक्वेशन 3 करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और क्या करना है फिर अपने को, ये H2O है ना, H2O, इसको अगर अपन उल्टा करते हैं तो H2O ये साइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके एक H2O बनेगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस इक्वेशन वन, तो आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 आप करिएगा। ओके, तो क्या करना, ये इक्वेशन 2 का वैल्यू इसको माइनस करोगे, मतलब इसका साइन उल्टा हो जाएगा ना, इजंट इट। ऐसे करके आप सॉल्व करिए, तो 23 का स्टूडेंट्स आपको आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर? सो सेम चीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज बता दिया है कैसे बैलेंस करना है और एग्जैक्टली क्या हमें चाहिए। डन, तो इसको नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इक्वेशन को उल्टा फुल्टा करने वाला ही ये क्वेश्चन है। चलो आप आंसर निकाल लीजिए। द फॉलोइंग टू reactions are known, क्या दिया है, Fe2O3 plus 3CO gives you 2Fe plus 3CO2, कितनी डेल्टा एच, कितनी मित्रांनो, 26.8 किलो जूल्स। अजून काय दिलं, FeO plus CO, Fe plus CO2, डेल्टा एच कितना हो जाएगा। ओके, थोड़ा बीच में मराठी आ गया। अभी अपने को क्या पूछा है, ये दो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, and what are we supposed to find, we are supposed to find Fe2O3 plus CO gives you 2FeO plus CO2, iska delta h apne ko dhundna hai, to bataiye Fe2O3 equation 1 mein hai ki 2 mein hai, 1 mein hai, left mein chahiye, left mein hi hai, to equation 1 mole hai, FeO we want it on the right hand side, jo ye left mein hai, aur wo bhi 2 moles chahiye, to kya karenge, minus equation 2, but wo bhi kitna, 2 times na, to minus into 2 karenge, तो इससे क्या होगा बताओ। चलो इससे अपने को फाइनल आंसर तो ये आ ही जाएगा। अब इक्वेशन 1 एज इट इज लिया है, मतलब क्या लिया है, माइनस 26.8। अभी इसको उल्टा किया है और डबल भी कर दिया ना, इंटू 2 किया है, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इजंट इट। तो 33, अब ऐसा करो ना, 33 माइनस 26.8 तो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 6.2, वो भी कौन से इसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, 6.2। सो आंसर है क्या आपका, ऑप्शन डी आ रहा है, एंड दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 24th का डी। लिख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार एग्जाम में, भर भर के प्रैक्टिस करके जाइएगा, वैसे ये वीडियो में तो हो ही जाएगा मैक्सिमम। डन, सो ये था क्वेश्चन नंबर 24, इरेज कर देता हूं मैं, और आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। ऑलराइट, 25, हाँ निकालिए भाई आंसर। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2, ओके, सी प्लस O2 गिव्स यू CO2, इस कितना दिया है, -33.5 किलो जूल्स पर मोल। द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन
ओके अपने को CO2 का मास दिया है, मास ऑफ CO2 दिया है कितना 35.2 ग्राम, कितना होगा? देखो ये कितना कार्बन है, ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम है ना, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्त कितना हीट रिलीज कर रहा है, -393.5 किलो जूल्स, तो ये 35.2 ग्राम CO2 कितना रिलीज करेगा, x ले लो यार, x विल बी इक्वल टू 35.2 इंटू -393.5 डिवाइडेड बाय 44, इजंट इट? तो आपका आंसर कुछ ये कितना 0. मतलब 300 के अराउंड कुछ आना चाहिए, 300 के अराउंड, और वो भी माइनस में, और वो भी किलो जूल्स में, तो ऑप्शन सी, लेट मी चेक, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है कि नहीं? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बैलेंस इक्वेशन में से 44 निकाला और अपने को जो पूछा गया था उससे कंपेयर कर लिया। सो यहां पर हो गए हैं थर्ड टाइप के MCQs स्टूडेंट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट टाइप जो है वो है बॉन्ड एंथैल्पी का। बॉन्ड एंथैल्पी का एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया है, और भी टाइप के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन करें पहले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, डेल्टा एच वी इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, राइट, आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए उसे, कर लिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन दिया है, 4H गैस गिव्स यू 2H2 गैस, कितना दिया है डेल्टा एच, -869.6 किलो जूल्स, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। तो देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसको मैं जीरो ले लूं क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट में है ना। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, नाउ HH बॉन्ड जो है, HH बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होता है, बट कितने बॉन्ड से, टू, तो अपने को तो यही ढूंढना है ना। सो डेल्टा एच कितना दिया है, -869.6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड विल बी इक्वल टू 869.6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 434.8 पॉजिटिव में आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो 26 का आंसर आ रहा है डी, क्लियर ना। ये पॉजिटिव में ही आएगा ना बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। सो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको तोड़ना है, HH सिंगल बॉन्ड को, तो आपको 434.8 किलो जूल्स देना पड़ेगा, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको तोड़ने हैं तो, इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है आपको पॉजिटिव में ही आएगा, बिकॉज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो इसको नोट डाउन करिए 26 को, और इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आगे आएंगे। 26 शैल आई रेस, चलो 26 26 26। नेक्स्ट क्या है, 27 ऑन योर स्क्रीन, 27। हाँ ओहो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंज स्टेट फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके ओके देखो चलो फटाफट, Cl2 गैस है स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl गैस एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है 242.3 किलो जूल्स। I2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो 2I गैस, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ICl वो है गैस, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक I एंड Cl एटॉमिक, ओके 211.3। I2 सॉलिड दिया है और वो कन्वर्ट हो रहा है I2 गैस में, और यहां पे दिया है 62.76, ओके हो। और पूछा क्या है, What are they asking? Given that standard state for iodine chlorine are I2 solid and chlorine gas, the standard enthalpy of formation of ICl. अपने को बनाना है ICl gas. तो ICl किससे बनेगा? Standard state क्या है iodine का? Solid है ना, और standard state chlorine का क्या है? Gas है. तो कितना mole मिलेगा? 2 mole. हम पहले 2 mole के लिए ढूंढ लेते हैं, बाद में divided by 2 कर देंगे. Clear? अभी 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 इसका डेल्टा एच क्या होगा? तो देखो बच्चे यहां पे क्या करते हैं ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ आई या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आई बॉन्ड, ओके आई
प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड, ई लिखू चलेगा, ई बी ई पूरा लिखने के बदले सिर्फ ई लिखता हूँ मैं, ओके, ई एच एच बॉन्ड प्लस ई ऑफ सी एल सी एल बॉन्ड और माइनस टू इंटू ई आई सी एल बॉन्ड, सिर्फ इतना करेंगे और आंसर निकालेंगे, बट ये गलत है ना। अब देखो वापस से एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, ये सॉलिड स्टेट में और ये गैस में है, कुछ तो एक और एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा, सब्लिमेशन, कौन सा एनर्जी, I2 सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू I2 गैस, ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, ऐसा दिया है क्या कहीं पे, ये देखो दिया है ना यहाँ पे लास्ट में सब्लिमेशन का एनर्जी, तो देखो I2 सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू I2 गैस, कितना दिया है 62.76, पॉजिटिव में ही दिया है ना, पॉजिटिव में ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पॉजिटिव में, सब चीज पॉजिटिव में दी है, ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस एच एच बॉन्ड को ब्रेक करना है, सॉरी एच एच कैसे लिख लिया मैंने, आई आई आएगा ना, आई आई, तो ये आयोडीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगा, 151, यहां पे लिखू मैं 151.00 लिख देता हूं, सी एल सी एल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगा, 242.30 लिख देता हूं, माइनस इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आई सी एल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आई सी एल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 211.3 इंटू टू करना पड़ेगा ना, तो 6.224, इसको बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और ये हो जाएगा 10, 3, 4, 5, 6 बराबर, ये 11 और 4, 15 और ये 4, 456.06 माइनस आपको करना पड़ेगा 422, तो कितना आ जाएगा, 25, 28 और 6 ना, 34 के अराउंड आंसर आना चाहिए, बट 34 जो है वो 2 मोल्स का आएगा ना, बराबर के नहीं, 2 मोल्स का आएगा, तो आप डिवाइडेड बाय 2 करो तो 17 के अराउंड आपको आंसर आना चाहिए, वो भी प्लस में, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है 17 के अराउंड, वो भी प्लस में, ऑप्शन डी, क्लियर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, तो मैंने सॉल्व कर दिया इसलिए हो सकता है आपको इजी लगे, बट आप ही सोचो कि बच्चा मिस्टेक कहाँ पर करेगा, एक तो ये भूल जाएगा वो कि सॉलिड से गैस भी कन्वर्ट करना है, या तो नहीं तो एकदम सत्यानाश क्या करेगा, वो सब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन, ऐसा वो जो हेस लॉ में करते हैं ना वैसा मेथड अप्लाई करेगा, अपने को यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी यूज करना है, बॉन्ड एंथैल्पी यूज करना है, और गड़बड़ क्या हो सकता है, ये 2 मोल्स के लिए है, लास्ट में वो डिवाइड नहीं करेगा, 34 देख लेगा, वैसा तो ऑप्शन में नहीं दिया है, वैसा 34 तो बच जाएगा, उसको पता चलेगा कुछ गड़बड़ है, तो फिर लास्ट में वो डिवाइड कर सकता है, बात क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप वापस से इसको एक बार सॉल्व करिएगा, क्लियर। इसको इरेज कर दूं मैं 27 को, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28, चलिए क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस मच, ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बोले तो N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, कितना दिया है डेल्टा H, -46 किलो जूल्स पर मोल दिया है ना, इसको पर मोल ही रखना है, ओके, एक बार एक काम करते हैं, पहले बैलेंस कर देते हैं 2 और ये 3, इसको एक ही मोल रखना है तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 ये 1 हो जाएगा, क्लियर। सो ये पर मोल जो लिखा है उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम इज -436 किलो जूल्स, सो इन शॉर्ट इन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी दिया है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH कितना दिया है, -436 दिया है, बट वो तो फॉर्मेशन दिया है ना, बट उसी को बॉन्ड एंथैल्पी में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 436 किलो जूल्स, इजंट इट, बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगा ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, वैसे ही इन्होंने N2 का भी दिया है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 कितना दिया है, माइनस में दिया है, अपन प्लस में लिखेंगे, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, देखो बड़ा सिंपल है, डेल्टा H विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, ट्रिपल बॉन्ड ही है ना, बराबर कि नहीं, कितना दिया है, हाफ दिया है, तो इसको मैं हाफ लिखूंगा, प्लस
इसको मैं इज इक्वल्स टू इधर लिखता हूँ, प्लस ये भी तो करना पड़ेगा ना, तो एच एच का कितना दिया है, एच एच का, अच्छा वो पहले मैं लिख लेता हूँ, हाफ ऑफ नहीं 3/2 ऑफ एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड, माइनस क्या करना पड़ेगा, अमोनिया, कितना अमोनिया, एक है, तो एनर्जी ऑफ एन एच, बट अमोनिया में एन एच बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड है ना एन एच बॉन्ड, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा एच ऑलरेडी दिया है -46, एन एन और एन एन का कितना दिया है 712, 712 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 5 1, 3 5 1 प्लस 3/2 ऑफ एच एच, ओके तो इधर ही कर देता हूँ, 3/2 तो कितना हो जाएगा ये 2 1 8, 218 इंटू 3 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये 654 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ई एन एच, इजंट इट, सॉल्व करते इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट, तो कितना हो जाएगा -46 और ये इसे ऐड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 10 10, 1005 आ रहा है, इज इक्वल्स टू -3e ऑफ एन एच, यहाँ पे के ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा ना, 1051 माइनस माइनस गया 3e ऑफ एन एच। अभी अपने को क्या ढूंढना है, ई ऑफ एन एच ढूंढना है ना, इट विल बी इक्वल टू 1051 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होता है 3 3 9, 3 5 0.350 something कुछ आ रहा है, 350 point, और वो भी अपने को प्लस में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा 28 का, बी, एंड दैट इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में, राइट सो इस तरीके से ये वैल्यू जो दिया था, ये बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू दिया था, और वो भी प्लस में लेना था आपको, माइनस में लेने की, देखो हर क्वेश्चन में समझ रहे हैं हम लोग कि मिस्टेक कहाँ कहाँ होने के चांसेस है, बात समझ में आ रही है, ये यहाँ पे एक पहला मिस्टेक कर सकता था, 2 लिख देगा वो, बट ये पर मोल दिया है तो इसको 1 रखना था, इसलिए ये इस तरीके से बैलेंस करना था। अगर आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया और ऐसे मिस्टेक किया, तो अगर आपको समझ गया अभी कि ये मिस्टेक्स बार 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 नहीं करनी है, तो 28 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी, तो इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऑलराइट 29 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, मतलब 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 28 MCQs थर्मोडायनामिक्स के, और वो भी अलग अलग टाइप के, राइट, आई होप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा, एंड 3 MCQs हमने बॉन्ड एंथैल्पी के कर लिए, नेक्स्ट जो 4-5 MCQs है आपके लिए चना मूंगफली होगा, बिलीव मी और नॉट, ऑलराइट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एच एच बॉन्ड, बी आर बी आर बॉन्ड, एच बी आर बॉन्ड का वैल्यू दिया है, डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन क्या है, एच टू प्लस बी आर टू गिव्स यू 2HBr, isn't it? तो इसका अपने को डेल्टा एच ढूंढना है, तो डेल्टा एच क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है ना, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ना, बताओ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी आर बी आर, इसको ऐड कर देंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच बी आर, बाद में वैल्यूज डालेंगे और आंसर आ जाएगा, इतना ही तो करना है इसमें, इतने इजी MCQs आते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद हो कैसे अप्लाई करना तो ही तो आएगा ना आंसर, कोई बात नहीं, ये वीडियो उसी के लिए तो देख रहे हैं हम लोग। सो 29 का स्टूडेंट्स आपको आंसर आएगा डी, मुझे प्यार से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर आ गया है हमें 29 का डी, चलो इरेज कर दूं मैं अभी, सॉल्व कर लेना आप लोग अच्छे से सिंसियरली अच्छे बच्चे की तरह। क्वेश्चन नंबर 30, राइट, एच एच बॉन्ड एनर्जी इज गिवन, सी एल सी एल इज गिवन, डेल्टा एच ऑफ इक्वेशन इज गिवन, देखो अभी ट्विस्ट क्या है पता, डेल्टा एच फॉर एच सी एल मतलब एच टू प्लस सी एल टू गिव्स यू एच सी एल, कितना 2HCl, अब यहां पे डेल्टा एच विल बी इक्वल टू व्हाट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एल सी एल, सी एल सी एल इसको ऐड कर देंगे माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच सी एल, अभी क्या दिया है, डेल्टा एच ये दिया है, एच एच का दिया है, सी एल सी एल का दिया है, क्या पूछा है अपने को, एच सी एल का बॉन्ड एनर्जी, तो बाकी सब क्वांटिटी पता है और एच सी एल का ढूंढना है ना, तो आ जाएगा ना आंसर यार, बराबर के नहीं,
तो 30 का मैं आपको बता दूं क्या आएगा कैलकुलेशन के बाद, यू विल गेट आंसर ए, टैली करना ओके, इरेज कर दो। मैं देखो मैं चाहता तो ये सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी 3 मैंने करवा दिया है ना, सो ये मैं स्किप कर देता, बट मैंने आपको दिया है सिर्फ मैं कैलकुलेशन पार्ट मिस कर रहा हूँ इसका, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब सिमिलर टाइप के हैं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, राइट, इसलिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, 31 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वापस आ गया, H2Cl2HCl एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, अभी इसमें डेल्टा H ढूंढना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस देते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो 31 का आपको आंसर आने वाला है डी, 31 का क्या आएगा डी, आप सॉल्व करना खुद से और देखना डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ऐसा खुद को करो सेल्फ मोटिवेशन, यू आर ए चैंप, यू आर बॉर्न टू विन, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है ना, हम कितने मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं, बट जब हम अकेले होते हैं तो एक ही इंसान अपने को मोटिवेट कर सकता है, कौन, वो है खुद। इफ यू डोंट लाइक, इफ यू आर अलोन एंड यू हैव अ फीलिंग बैड, यू हैव अ बैड कंपनी, समझ में आया कि नहीं, इफ यू आर अलोन एंड इफ यू आर फीलिंग वेरी बैड एंड लो, यू हैव अ बैड कंपनी, नहीं समझ में आया, ठीक है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ओके, वो बैड कंपनी किसकी है। चलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, आहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है आपके स्क्रीन पे ओके, तो देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बताइए क्या क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, एक दो है कि तीन है, एक ही बॉन्ड है ना, ठीक है, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक बे त्रण चार, चार है, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एचएच बॉन्ड कितना है, एचएच बॉन्ड एक ही है, तो इसको सबको प्लस करना है अपने को, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी कितना है राइट साइड में, सीसी है ना, कितना सीसी है, एक, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीएच कितना है, सीएच देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः है। अब मुझे बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दिया है क्या, दिया है, सी एच का दिया है क्या, दिया है, एच एच का दिया है क्या, दिया है, सी सी का दिया है, दिया है, सी एच का दिया है, सबका एनर्जी दिया है यार, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, कौन सा क्वेश्चन है ये 32, इसका आंसर आएगा डी, सही आंसर है तो क्या करने का, यू आर अ चैंप, ऑलराइट, चलो गुड, इरेज कर दूं मैं, ऑलराइट 32 हो गया, तो 32 हो गया है, अभी अभी नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, कौन सा, डेल्टा एस डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी, मज़ा आएगा उसमें, उसमें पहले थियोरी वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल टाइप में जाएंगे ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे भी पूछे जाते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में स्टूडेंट्स, नाउ एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंबल क्या है, एस, इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकल्स एकदम पैक्ड होता है, लिक्विड के थोड़े से दूर, गैस का तो बहुत दूर, तो ज़्यादा रैंडमनेस किस में है, गैस में है, तो एंट्रोपी उसका ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा रैंडमनेस है, तो लिक्विड गैस लिक्विड एंड देन सॉलिड। डेल्टा एस का क्या होगा फॉर्मूला, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। नाउ कभी भी चीज़ एक्सपांड होगी तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा माना जाता है यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, उसमें रैंडमनेस बढ़ते जा रहा है, तो डेल्टा एस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट में रैंडमनेस ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या, सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो उसका डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि लिक्विड में रैंडमनेस ज़्यादा है ना, बट वहीं पर लिक्विड से अगर सॉलिड गया ओके, तो इसमें डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट में रैंडमनेस कम है, तो सॉलिड आइस को आप ऐसे ही रख दो, वो अपने आप मेल्ट हो जाता है, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नो, बट वहीं पे लिक्विड को वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो पड़े पड़े थोड़ी हो, तो आपको तो फ्रीजर में रखना पड़ता है ना, तो दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस अगर होना है तो डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अब बहुत सारे फॉर्मूला है और ईजी है, क्या है चेक कर लेते हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टेम्परेचर, कितना हीट लिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर।
अगर इसने सराउंडिंग से हीट लिया, मतलब सराउंडिंग में हीट डिक्रीज हो गया ना, तो सराउंडिंग के फॉर्मूला में माइनस आएगा, अगर सिस्टम के फॉर्मूला में प्लस है तो. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डेल्टा एस टोटल विल बी सिस्टम प्लस सराउंडिंग. अगर सपोज एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस टोटल कितना आएगा, जीरो आएगा. एंट्रोपी चेंज इन इररिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार हो गया तो हो गया, तो उसमें दो टेम्परेचर होंगे. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी वन ले लिया लेट्स से, तो अगर सिस्टम का माइनस में है तो सराउंडिंग का क्या होगा, प्लस में होगा. तो टोटल में तो दोनों को ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला. आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से फॉर्मूला आप डिजाइन करो कि टी वन शुड बी ग्रेटर देन टी टू. एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या, मेल्टिंग या फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड. तो एंट्रोपी क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या है, लिक्विड है ना, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड. तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. व्हाट इज डेल्टा एच, फ्यूजन एंथैल्पी और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट. सेम चीज वेपराइजेशन के लिए भी सेम चीज है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा. सब्लिमेशन के लिए भी सेम चीज है, यहाँ पे सब्लिमेशन टेम्परेचर आ जाएगा. सिंपल है. सो ये था एंट्रोपी के बारे में, इसको नोट डाउन करें. इसके बाद में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करता है. लेट्स टॉक अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी नाउ. तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी. ये क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी. नाउ ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा. क्या, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, प्लस आर टी लैन, दैट इज नेचुरल लॉग क्यू. क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चंट, केमिकल इक्विलिब्रियम ने हमने पढ़ा है. एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो, और जो एट इक्विलिब्रियम क्यू क्या हो जाता है, केसी हो जाता है ना, केसी लिख देता हूँ. चलो तो ये भाई साहब जीरो हो गया, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लैन ऑफ के. इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैन, यू कैन ऑल्सो राइट लॉग टू द बेस 10 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2.303. तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी. डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, वेर एफ इज फैराडे 96,500. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम फास्ट, वो वाला नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाएगा, आपको कुछ टेम्परेचर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, ए और बी डालोगे तो अपने आप से रिएक्शन हो जाएगा. तो सबसे पहले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच क्या बोला जाता था, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. उसके बाद में बोला कि नहीं भैया, एंट्रोपी को लेंगे एज अ स्टैंडर्ड टू कंसिडर स्पॉन्टेनिटी, तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. उसके बाद में बहुत सही बंदा आया, दैट इज डेल्टा जी, राइट. इसको ये ले लो, नॉट नॉट वैल्यू ले लो, डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव, राइट. और एक और है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, ई नॉट ऑफ सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स है फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन. कुछ लोग बच्चे गलती से क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस भूल जाते हैं लिखना, तो ऐसे याद रखो ना, डेल्टा जी नॉट शुड बी माइनस फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो इसके इक्वेशन में माइनस आएगा ही आएगा, क्लियर. तो ये इसके पहले एंट्रोपी कर लिया, गिब्स फ्री एनर्जी कर लिया, स्पॉन्टेनिटी के कंडीशंस कर लिए, अब करते हैं इसके एमसीक्यूज. तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. हाँ, दिखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट पढ़ के देखते हैं. आप लोगों ने आंसर निकाल लिया क्या, ठीक है. इन एन इररिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इन विच ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज बींग डन बाई द सिस्टम, द चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया. इररिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, मतलब खुद से हो रहा है ना, पीछे नहीं आ रहा है वापस, खुद से हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव और डेल्टा एस नॉट शुड बी पॉजिटिव. तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में तो जीरो जीरो दे दिया है, नहीं बाबा नहीं, बी में भी एक को जीरो दे दिया है, सी में दोनों को नेगेटिव दे दिया है, डी में एस इज पॉजिटिव एंड जी इज नेगेटिव. तो 33 का अपना आंसर क्या हो गया, डी, क्लियर. 34 करते हैं, चलो आपके स्क्रीन पे आया 34.
कर लिया क्या? ओके, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. क्या किया था हम लोगों ने? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या किया था, आर टी लैन ऑफ के सी, इजंट इट? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू ऑप्शन बी में है ना. तो 34 का आपका आंसर क्या हो गया? बी, इजंट इट? इन्होंने सिर्फ माइनस ये साइड में दे दिया और कुछ नहीं. 35 करें फिर, अभी आपके स्क्रीन पे है 35. फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के एंड ई नॉट सेल विल बी. डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इट शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और ई नॉट ऑफ सेल कितना क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए. ऐसे कौन से ऑप्शन में है? नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव. तो 35 का ए आएगा ना, इजंट इट स्टूडेंट्स? 35 का ए, सिंपल क्वेश्चन था. 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें. 36, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव. बात तो सही बोल रहा है ना, डेल्टा एस इज पॉजिटिव. तो चलो ए तो सही बोल रहा है. बी क्या बोल रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस. जरूरी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है. जैसे आइस को रख दो, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट हो जाएगा, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है. सी दिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. जरूरी नहीं है, कुछ कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है. डी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शन प्रोसेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. नहीं, देर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया. डेल्टा जी है, डेल्टा एस है, तो ये भी गलत है. तो सही ऑप्शन क्या हो गया? 36 का ए. 37 करते हैं. अभी एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर दूँ. ठीक है, सो आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. 37 करना है हमें. ऑलराइट, तो आपके स्क्रीन पे 37 आ गया है. 37 सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, 37 को. 37, हाँ. फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वे फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव. ऑलराइट, इफ टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस. वेन, तो देखो यहाँ पर क्या काम में आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. यही इक्वेशन था ना हमारा. ओके, सो पूछा क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, और क्या बोला है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. डेल्टा जी क्या होना चाहिए अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है? तो नेगेटिव होना चाहिए ना. तो दिस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर कि लोअर? ये टेम्परेचर जितना बढ़ेगा नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव बढ़ा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा ना. तो टी क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर. टी शुड बी ग्रेटर देन योर टी ई, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है ना फिर. क्लियर? सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कुछ केसेस में बोल देंगे डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है. तो आपको इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है, आंसर निकालना है कि एट द एंड डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. क्लियर? ये था 37. 38 के बारे में बात करते हैं. इन व्यू ऑफ द साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. तो देखो PbO2 दिया है प्लस Pb दिया है गिव्स यू 2PbO. इसके लिए डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव में है ना. तो ये तो स्पॉन्टेनियस होगा, मस्त होगा, ये खुद से करेगा रिएक्शन. SnO2 प्लस Sn गिव्स यू 2SnO. डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. मतलब ये खुशी खुशी ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा. ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस 2. और यहाँ पे क्या था? प्लस 4. यहाँ पे ये है प्लस 4, यहाँ पे प्लस 2. प्लस 2 में नहीं जाना चाहेगा. ये किस में रहना चाहेगा? प्लस 4 में. और ये किस में रहना चाहेगा? प्लस 2 में. क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है. तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? प्लस 2. और Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? प्लस 4. तो लेड प्लस 2, टिन प्लस 4. तो ऑप्शन डी. और देखो अगर ये सब झंझटमारी नहीं भी आपको पता है तो एटलीस्ट आपने ग्रुप 15 पढ़ा है, ग्रुप 14 पढ़ा है. केमिस्ट्री सर गिविंग सन की प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गिविंग सन की प्रॉब्लम्स. तो ऊपर वाले प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, नीचे वाले प्लस 2 दिखाते हैं. प्लस 2 डिक्रीज क्यों हो जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो नीचे कौन है? पीबी है ना नीचे,
केमिस्ट्री सर गिविंग सन की प्रॉब्लम्स, पीबी, पीबी जो है वो प्लस टू दिखाएगा और उसके पास ऊपर वाला क्या दिखाएगा, प्लस फोर दिखाएगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। 38 का डी कॉपी कर लीजिए इसे, 38 का डी कर लिया। चलो 39 आपके स्क्रीन पे ये रहा, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होगा। 39 इसका आंसर क्या है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, एंट्रोपी का ये यूनिट है। कौन सा ऑप्शन होगा ये, 39 का ए। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, जूल्स पर मोल पर केल्विन, 39। अब बात करते हैं 40 के बारे में जो कि आपके स्क्रीन पे है। कंसिडरिंग एंट्रोपी एस एज अ थर्मोडायनामिक पैरामीटर द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बी पॉजिटिव, बराबर कि नहीं। ऑब्वियसली देखो डेल्टा एस टोटल, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, इसके पहले क्या आया था, दिस इज 40 इजंट इट, दिस इज 40। तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है ना, तो ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है ना अपना, बी क्यों गलत है, क्योंकि उसमें माइनस दिया है बीच में तो वो गलत होगा, बाकी सी और डी तो जाने ही दो। तो 40 का आपका आंसर क्या हो गया, ए इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 41 के बारे में, क्या बोल रहा है 41 क्वेश्चन, अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ। तो ऑप्शन ए में देखो पहला वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो लास्ट वाला पार्ट देखो, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, जरूरी है। 41 चलिए देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऑप्शन ए में देखते हैं, ए टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, हाँ तो देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए स्टूडेंट, तो माइनस में तो जीरो हो जाएगा ना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। बी में क्या दिया है, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर, और डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, मतलब इक्वेशन एज इट इज है, ये वाला इक्वेशन एज इट इज है, और ये वाला पार्ट ज्यादा है। अगर ये वाला पार्ट इंक्रीज होगा तो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मतलब डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, तो अपना बी ऑप्शन सही है। तो 41 का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, बी, इरेज कर दो मैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 की तरफ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। 42 सो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनिटी के कंडीशंस क्या है, डेल्टा एच जो है नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक, इजंट इट। सो ऑप्शन ए दिया है, एक्सोथर्मिक एंड डिक्रीजिंग डिसऑर्डर। डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी में एंडो दे दिया, अपने को एक्सो चाहिए। ऑप्शन सी में एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर दिया है, बात सही है कि नहीं। तो 42 का आंसर क्या हो गया, सी, सिंपल है। सो ये था स्पॉन्टेनिटी के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इट्स ऑन योर स्क्रीन। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, थियोरेटिकल अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगेन स्पॉन्टेनिटी के रिलेटेड है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, नहीं ना, एक थोड़ी, कितने सारे स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया है। ऑप्शन बी, For a spontaneous process in an isolated system, the change in entropy is positive. Spontaneous process है, मतलब डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो बात तो सही बोल रहे हैं ना, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। सी भी पढ़ लेते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नेवर स्पॉन्टेनियस, जरूरी थोड़ी आप आइस को रख दो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप मेल्ट हो जाएगा।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये भी हमने डिस्कस किया, नहीं है। तो अपना सही आंसर क्या है, 43 का बी। क्लियर? सो ये था 43। आगे बढ़े, चलो आई इरेज दिस। 44 ऑन योर स्क्रीन, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, अभी है 44, ओके। PCl5 गैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सब गैस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट? ऑप्शन ए में दिया है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, ओके। डेल्टा एच का वैल्यू तो दिया नहीं है, हमें पता नहीं है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव आ गया। एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा एस तो इक्वेशन देख के ढूंढ सकता है, कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे गैस के कितने मोल्स है, ओनली वन मोल। यहाँ पे गैस के कितने मोल्स है, टू मोल्स। तो पहले गैस जो थी एकदम कंप्रेस थी, वन मोल, वो टूट के दो मोल्स में आ गई, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया ना, चीजें फैल गई ना। तो यहाँ पर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इजंट इट? सो ऑप्शन बी में डेल्टा एस, देखो इट इज लेस देन जीरो दिया है, सी में भी लेस देन जीरो दिया है, डी में भी लेस देन जीरो दिया है, तो बी सी डी तो गलत हो गया ना। सही ऑप्शन क्या हो गया फिर, ए। क्लियर है? और डेल्टा एस पॉजिटिव कब आता है, जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड हो गई या लिक्विड से गैस हो गई, इस तरीके से। ओके, कोई चार कार्बन वाला कंपाउंड दो कार्बन और दो कार्बन में स्प्लिट हो गया, तो वहां पर डेल्टा एस इज पॉजिटिव। सो ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन है, आप करो सॉल्व खुद से पहले, फिर डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा एस इज, डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज डिक्रीजेस शार्पली मतलब नेगेटिव विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जो डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, चीजें फैल रही है। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड साइड में सॉलिड है, गैस है, और गैस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में, तो वो तो डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो गया ना, कंप्रेस हो गया मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी में देखो, राइट साइड में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स है, हाफ, और लेफ्ट साइड में भी हाफ है, तो एंट्रोपी का तो कोई ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ ना। सी में अगर देखो, राइट साइड में कितने मोल्स है गैस के, वन, और लेफ्ट साइड में गैस के मोल्स कितने है, सिर्फ हाफ, तो हाफ मोल्स ऑफ गैस से वो कितना मोल हो गया, वन मोल हो गया, तो गैसियस सिस्टम इंक्रीज हो गया ना, तो इस केस में डेल्टा एस इज पॉजिटिव, क्योंकि देखो सी में ग्रेफाइट सॉलिड है, सॉलिड से गैस की तरफ जा रहा है, राइट। डी ऑप्शन में देखो, तो डी ऑप्शन में लेफ्ट साइड में वन प्लस हाफ 3/2 मोल्स है, और राइट साइड में कितना है, यहां पर 1.5 लिख लेता हूं, और राइट साइड में सिर्फ वन मोल है, तो डिसऑर्डरनेस तो डिक्रीज हो गया ना, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज किस में हो रहा है, सी में हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर? तो 45 का आंसर क्या हो गया, सी। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, ट्राई टू सॉल्व। अब थियरी पार्ट हो चुका है, अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आ रहे हैं। ऑलराइट, फॉर द रिएक्शन, क्या बोल रहा है भाई साहब, X2O4 लिक्विड है गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2XO2 गैस। डेल्टा यू का वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स 2.1, अच्छा वो किलो कैलोरी होगा, उसको सिर्फ आप रेक्टिफाई कर लो, किलो कैलोरी होगा वो। डेल्टा एस इज 20 कैलोरीज, ये बराबर है पर केल्विन, एट 300 तापमान दिया है 300 केल्विन। अपने को क्या ढूंढना है, डेल्टा जी। अभी डेल्टा जी का इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ढूंढना क्या है वैसे, डेल्टा जी, बट ये तो सर डेल्टा एच है, अपने को डेल्टा यू दिया है, तो इक्वेशन से ढूंढ सकते हैं क्या, क्या ढूंढ सकते हैं, डेल्टा क्या था इक्वेशन स्टूडेंट्स, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां पर डेल्टा यू का वैल्यू डालते हैं, कितना दिया है 2.1 किलो कैलोरी। अभी ऑप्शन में भी किलो कैलोरी दिया है, तो मैं भी यहां पे किलो कैलोरी ही रखता हूं,
और डेल्टा एन जी कितना है, 2 मोल्स ऑफ गैस, और ये तो लिक्विड है, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 प्लस 2। आर का वैल्यू क्या लोगे बताओ, ये तो कैलोरीज में ली गया है ना सर, हमें पास्कल्स में पता है, पास्कल्स में 8.314 लेते हैं, अगर लीटर एटमॉस्फेयर होता तो 0.082 लेते हैं, बट सर कैलोरीज आ गया तो क्या ले, तो आर का वैल्यू होगा 2.194 ऐसा कुछ होता है, बट आप 2 लोगे तो भी आंसर आएगा, बट 2 किसके लिए, कैलोरीज के लिए, बट हम तो किलो कैलोरीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1000 इंटू तापमान कितना दिया है 300 दिया है, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3.3 किलो कैलोरीज, तो आपको डेल्टा एच मिल गया, तो यहाँ पे 3.3 अप्लाई करिए, टी कितना है 300 और डेल्टा एच का वैल्यू कितने दिया है 20, तो 3.3 अच्छा 20 दिया है ना, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 करना पड़ेगा ना, इजंट इट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 जीरो गए और यहाँ पे 3 जीरो गए, तो आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 3.3 माइनस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 2.7 हो जाएगा ना, माइनस 2.7 किलो कैलोरी, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो 46 का आंसर क्या हो गया बी, तो कौन से कितने फॉर्मूला यूज हुए, दो फॉर्मूला ना, एक तो ये हुआ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दूसरा क्या हुआ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ता है, कर लिया, चलो 46 आई रेस, 47 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 47 अभी ऑलमोस्ट सारे सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देते रहूंगा, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर डेल्टा एच किसका दिया है, फ्यूजन एफ यू एस लिखना है, सिर्फ एफ मत लिखना, एफ इंडिकेट्स फॉर्मेशन, फ्यूजन के लिए एफ यू एस फुस लिखो, नहीं तो आपका फुस होने का चांसेस है, 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल, मोलार एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन, और डेल्टा एस पूछा है, याद करो फॉर्मूला दिया था मैंने, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच कितना दिया है 1.435 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय 273 करो, अच्छा किलो कैलोरीज है ना तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये 1.1 हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेशन ऐसा करता है कि ऊपर वाले को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 15, अगर ऊपर वाले को इंक्रीज किया तो नीचे वाले को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग 3 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, ऑलराइट, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा जा रहा है 5 जा, तो 5 किलो कैलोरीज के अराउंड आपको आंसर आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, नहीं किलो कैलोरीज ना अपने ने कैलोरीज में कन्वर्ट कर दिया था, तो कैलोरीज में आएगा ऑप्शन ए, बात समझ में आ रही है, मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, डिवीजन में होगा तो जितना ऊपर इंक्रीज कर रहे हो वही हिसाब से आप अंदाजन नीचे भी इंक्रीज करो, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया ए, तो इसे नोट डाउन करें स्टूडेंट्स फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आई इरेज दिस पार्ट नाउ, ये था क्वेश्चन नंबर 47, 48 आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 48 क्या दिया है, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, और क्या दिया है, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर ढूंढने बोला है, चलो बढ़िया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, बराबर, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या दिया है 170 किलो जूल्स दिया है ना, तो 1, 2, 3 जीरो में ऐड कर दिया यहाँ पे, और नीचे कितना आएगा 170, तो कितना बचेगा 170, 1000 बच रहा है ना, बात बराबर है, टेम्परेचर 1000 है, अब याद करो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा ना, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो टेम्परेचर 1000 से ज्यादा होना चाहिए, राइट, इट शुड बी मोर टू गेट द नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर क्या है 1000 से ज्यादा वाला कोई है डी, तो 48 का आंसर क्या हो गया डी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन करें इसे, चलो आगे बढ़े, 49 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 49 देखो 49 कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थर्मोडायनामिक्स के, राइट, मजा आ रहा है, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है भैया कि भैया Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2BrCl गैस, एंथैल्पी है 30 किलो जूल्स, एंट्रोपी है 150 किलो जूल्स,
सॉरी जूल्स पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिव द टेम्परेचर एट विच. अभी सेम क्वेश्चन है आपके लिए, मैं छोड़ रहा हूँ ये, आप होमवर्क करिएगा. इससे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से आप दिमाग लगाइए और 49 को सॉल्व करिए. 49 का आपको आंसर आना चाहिए सी. कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ सर 49 का सी आया. ऑलराइट, टाइमिंग भी लिख दोगे कि कौन से टाइमिंग पे 49th क्वेश्चन है, तो वो भी मजा आ जाएगा देखने के लिए. ऑलराइट, शैल आई इरेज दिस. तो ये था डेल्टा एस डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी के कॉन्सेप्ट. अब लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर इक्के दुक्के कभी इतना कभी क्वेश्चन आ गए तो आ गए, दैट इज व्हाट, हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमेट्री. क्लियर, तो शुरू करें. पहले मैं आपको इसका थ्योरी समझा देता हूं, उसके बाद में एमसीक्यूज करते हैं. ज्यादा नहीं, 3 से 4 एमसीक्यूज करेंगे, दैट्स इट. नाउ वी आर इन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वीडियो. आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा लंबी बन गई है, बट टॉपिक कुछ ऐसा है यार, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज कवर करना जरूरी है. ठीक है, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज हीट कैपेसिटी. यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ जो हीट है कितना एब्जॉर्ब हुआ रिलीज हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कोई कोएफिशिएंट या कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा, उस कोएफिशिएंट को हम बोल देते हैं सी, कैपिटल सी. नाउ सी क्या है, आपका हीट कैपेसिटी है, हीट को झेलने की क्षमता. क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 degree. अगर हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम का किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, हीट झेलने की क्षमता ज्यादा है, तो बताओ क्या उसका टेम्परेचर आसानी से इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा. ये यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं. वो हीट झेल पा रहा है ना, मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज नहीं होगा. अगर हीट नहीं झेल पा रहा तो धड़ाधड़ टेम्परेचर बढ़ता. सो इफ हीट कैपेसिटी इज हाई, राइज इन टेम्परेचर विल बी लो. क्लियर. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ना, यहां पे कोई चीज स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ बोला राइज इन टेम्परेचर. यहां पे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफाई करेंगे. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 unit मास बाय 1 degree या 1 Kelvin. तो मास को स्पेसिफाई किया है. ओके, 1 unit मास. सो क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल सी है यहां पे, इंटू एम इंटू डेल्टा टी. व्हाट इज एम, मास. Okay, कितना मास क्वेश्चन में दिया है वो आप यहां पे डालिए. मोलर हीट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी. तो ऐसा बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी. तो ये फॉर्मूला याद रखना, अप्लाई होगा न्यूमेरिकल्स में. एक चीज याद रखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर, वेर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट. सीपी बाई सीवी रेशियो बड़े काम की चीज है. ओके, म्यू की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एटोमिसिटी ऑफ गैस. जैसे अगर म्यू का वैल्यू 1.67 है, मतलब वो गैस क्या होगी, मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम, आर्गन, ज़ेनॉन, ये सब. तो इनका अगर सीपी बाई सीवी रेशियो निकाले तो कितना आएगा, 1.67. 1.4 आया तो इट इज डाई एटॉमिक. देखो एटोमिसिटी इंक्रीज हो रहा है बट वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. डाई एटॉमिक मतलब N2, O2, ये सब. ट्राई एटॉमिक 1.33, ट्राई 1.33, ये भी ट्राई ट्राई है, याद रखिएगा. क्लियर, दैट इज ओजोन, O3 वगैरह. सो देखो ये जो वैल्यू है तीनों, ये 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है. तो याद रखना 1 से ग्रेटर 2 से लेस. सबसे ज्यादा किसका है, मोनो एटॉमिक का, 1.67. कितना है स्टूडेंट्स, 1.67. तो ये आप नोट डाउन करें, फिर 3-4 MCQs करते हैं, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स. थियोरिटिकल क्वेश्चन है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 Kelvin. कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मास स्पेसिफाई नहीं किया है, मोल स्पेसिफाई नहीं किया है. तो ये तो हीट कैपेसिटी हो गया ना, बोले तो थर्मल कैपेसिटी. तो अपना आंसर क्या है, बी, दैट इज थर्मल कैपेसिटी. नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो गया, बी. क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं. Equal volumes of 2 monoatomic gas. कौन सी गैस, monoatomic gas, gases A and B at the same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heat Cp by Cv. Monoatomic के लिए मैंने बताया था ना Cp by Cv ratio कितना था, 1.6 के अराउंड था ना. तो अपना आंसर है 1.6, that is option D. राइट, देखो थियोरी पढ़ने के बाद किया तो कितना आसान हो गया. क्लियर.
चलो नेक्स्ट 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, आप लोग सॉल्व करिए खुद पहले। अच्छा क्वेश्चन है 52। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सी दिया है 75 जूल्स पर मोल पर केल्विन। व्हेन 1 kJ ऑफ हीट इज सप्लाइड, क्यू दिया है 1 kJ, दैट इज 1000 जूल्स। ओके, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, मास ऑफ वाटर कितना दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, मराठी में 100 बोलते हैं। विच इज फ्री टू एक्सपैंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मोलार हीट कैपेसिटी है ये। तो देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, मोलार हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कुंती, कुंती पता है ना, कुंती पता है महाभारत आपको, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं फिलहाल, एन इंटू डेल्टा टी, अपने को क्या पूछा है, डेल्टा टी पूछा है ना, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी एन। तो क्यू कितना दिया है बोलो, क्यू कितना दिया है, 1000 जूल्स दिया है, 1000 जूल्स दिया है, और क्या दिया है, सी दिया है 75 दिया है जूल्स पर मोल पर केल्विन। एन एन दिया है क्या अपने को, नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, मास दिया है ना, बट मोल्स निकालते ना, गिवन मास अपॉन मोलार मास, वाटर का मोलार मास कितना है 18। ना 1 kg वाटर में कितने मोल्स होते हैं मुझे पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व किए, आपको भी कुछ लोगों को पता होगा, 55.55, तो 100 ग्राम्स में कितना होगा 5.55, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ 55.55 आई टेक 5.55 क्योंकि 100 है, तो यहाँ पे 5.55 मोल्स। तो एट दी एंड जूल जूल कैंसिल, मोल मोल कैंसिल, केल्विन ऊपर चला जाएगा, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। सो आप इसे सॉल्व करिए, कौन आप इसे सॉल्व करिए और मुझे सही ऑप्शन कमेंट में बताइएगा, बताओगे कि नहीं बताओगे, बोलो कि मैं सॉल्व करूँ खुद, काफ़ी लोग बताते नहीं है, छोड़ देते हैं, चलो समझ गया ना मेथड, कैलकुलेशन हम एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करो, उसके भी तो प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको 25 से कर सकते ना, और ये 3 isn't it? तो 40 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जा रहा है, 15, 16, 16.5 हो जाएगा ना, बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ 40 डिवाइडेड बाय 16, ये 4 के टेबल में जाएगा, 10 और नीचे 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 के अराउंड आंसर आएगा, 2.5 केल्विन 52 का ऑप्शन कौन सा है, बी 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 आ गया ना स्टूडेंट्स, बी, क्लियर। सो ये था 52। सो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन अपॉन टी, मैं इसको कुंती याद रखता हूँ, कुंती। सो आई रेज दिस, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देन वी आर डन। सो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या रे बाबा, सही जा रहा है, 52 ना ये था, 51 नहीं, 52 था, 53 लास्ट, 53 बराबर, 53। फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, चलो रिएक्शन दिया तो लिख ही लेते हैं, C2H5, आप लोग सॉल्व करना खुद से, गैस गिव्स यू 2CO2, गैस प्लस 3H2O लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉब कैलोरीमीटर ऑफ इज 1364 ऑलराइट किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग आइडियलिटी ऑलराइट। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओके, हमें डेल्टा एच पूछा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्शन, तो ऊपर जो हीट दिया है वो क्या है फिर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम कैलोरीमीटर, क्या होगा वो डेल्टा एच होगा, नहीं डेल्टा एच तो पूछा है, वो क्या होगा, डेल्टा यू होगा स्टूडेंट्स, कितना डेल्टा यू, अपने को माइनस में लेना पड़ेगा, -1364.47 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स में ही रखता हूँ क्योंकि आंसर भी किलो जूल्स में दिया है, क्लियर। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, याद रखो, याद करो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा यू का वैल्यू तो दिया है, डेल्टा एन जी कितना होगा, राइट साइड में गैस कितना है 2 moles, लेफ्ट साइड में गैस कितना है 3 moles, तो आंसर क्या है -1, तो ये माइनस आर टी, आर का वैल्यू क्या डालोगे 8.314 बराबर, क्योंकि आंसर किस में दिया, जूल्स में दिया ना, बट डिवाइडेड बाय 1000 करना क्योंकि किलो में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इंटू क्या कर लोगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो 298 केल्विन, तो
तो आप इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइए। कुछ लोग डर जाते हैं मैं ऑप्शन डाल दूं गलत हो गया, तो मैं आपको पहले से ही आंसर बता देता हूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बता देना कि हाँ सर लास्ट क्वेश्चन दैट इज 53 बॉम्ब कैलोरीमीटर का मुझे ए आंसर आया। खैर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर आप थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स है उसमें ज़्यादा पढ़ते हो, यहाँ पे तो बेसिक्स ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था यार हमारा थर्मोडायनामिक्स 53 क्वेश्चंस वन शॉट में। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी के सॉल्व किए तो ये है, हाँ मेरे ख्याल से ये है। सो एक्चुअली मैं चाहता तो 30 क्वेश्चन करके विद इन वन आवर इसको निपटा देता था, बट वो अंदर से मुझे वो जस्टिफिकेशन फील नहीं हो रहा था इस टॉपिक के लिए कि यार इतना बड़ा टॉपिक जिसमें हर साल 2 से 3 से कभी कभी 4 क्वेश्चन आ जाते, उसमें सिर्फ 30 एमसीक्यू सॉल्व करके छोड़ दूँ, राइट? तो आई होप आपने यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, मतलब आपने एंड तक वीडियो देखा है, सो दैट्स गुड। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। एंड अगर आप न्यू व्यूअर है तो ऐसे वन शॉट वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ और कुछ मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोज़ मैंने बनाई है, मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाके चेक करिएगा। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।